मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 95% मैं तुम्हें गारंटी दिलवा रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। बस तुम इन शॉर्टकट्स को अप्लाई कर लेना, 95% मैं तुम्हें कंफर्म करा दूं। पिछले साल मैंने क्लास 10 के बहुत सारे टॉपर बच्चों का इंटरव्यू लिया था, इनके बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस परसेंटेज आई थी, उनके बोर्ड एग्जाम में 97% आए थे, उनके बोर्ड एग्जाम में 98% आए थे, इवन बोर्ड एग्जाम में उनके 99% प्लस भी आए थे। सारे बच्चों में एक चीज कॉमन थी जिनकी रियलिटी सुनकर ना मैं बिल्कुल शॉक हो गया, क्योंकि उनमें मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने साल भर से मक्कारी करी थी, जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी थी, पर आखिरी के 3 महीने में उन्होंने ऐसा शॉर्टकट लगाया, इनके बोर्ड एग्जाम में उनके आखिरी के 3 महीने में पढ़ के 98% आ गए। क्या है वो शॉर्टकट, आज की इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा क्या वो शॉर्टकट हो सकता है जिसका आखिरी के 3 महीने में पढ़ के तुम बोर्ड एग्जाम में 98% लाओ। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या भैया हमारे प्री बोर्ड अभी सर पर खड़े, भैया हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, भैया हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, भैया बोर्ड एग्जाम में 98% कैसे आएंगे। भैया डरो मत, अभी भी पॉसिबल है, डरो मत। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल आखिरी के 3 महीने पढ़ के 98% लाए थे, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगले 3 महीने दिसंबर जनवरी फरवरी तुम्हारी जिंदगी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 महीने होने वाले हैं। अगर इन 3 महीनों में तुमने कुछ कर दिया ना भाई, बोर्ड एग्जाम में तुम कर गुजरोगे, 98% तुम ले आओगे बोर्ड एग्जाम में, तुम्हारे 10 का क्लास के एग्जाम जिंदगी में तुम्हारी एक बार होता, तुम 98% ले आओगे। और अगर अभी भी तुमने मक्कारी करी ना भाई, अब पॉसिबल नहीं होगा। आखिरी के 3 महीने में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में 98% फोड़े, पर उन शॉर्टकट्स को तुम्हें अपनाना पड़ेगा जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में टॉपर बच्चों ने अपनाए थे, जिनसे मैंने इंटरव्यू लिया, वही शॉर्टकट्स आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना, अगर इस वीडियो को तुम शुरू से लेकर अंत तक देखोगे, मैं इस बात की गारंटी लेता भाई, बोर्ड एग्जाम तुम्हारे 98% नहीं, अगर तुम देखोगे भी तो 95% तुम्हारे आराम से जाएगा, 95% मैं गारंटी कर रहा हूं। बस मैं कुछ शॉर्टकट्स को बताऊं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमने बहुत सारा समय खराब कर दिया कि हम पूरा सिलेबस कर सके, अब हमें कुछ शॉर्टकट लगाने पड़ेंगे तभी जाकर बोर्ड एग्जाम में हमारे 98% आ पाएंगे। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, 95% मैं तुम्हें गारंटी दिलवा रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। बस तुम इन शॉर्टकट्स को अप्लाई कर लेना, 95% मैं तुम्हें कंफर्म करा दूंगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं उन 5 शॉर्टकट्स के बारे में जिनको यूज करके पिछले साल बहुत सारे बच्चों के आखिर के 3 महीने में पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 98% तक आ गए। अब मैं तुम्हें यहां मजाक नहीं कर रहा, तुम बस समझना कि भैया मजाक कर रहे। देखो यार, मैं जो भी चीज बोलता हूं तुम्हें अपना छोटा भाई बहन समझ के बताता हूं, तुम भी मुझे अपना बड़ा भाई समझो और मेरी बात मान लो कि मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जो बोलता 6 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, यहां आके हवा बातें नहीं करता मैं, जो लेजिट है, जो तरीका सही है, वही मैं तुम्हें बताता हूं कि बोर्ड एग्जाम में 98% कैसे आए। मैं 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, 2 साल से यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, पहली चीज, जो पहला शॉर्टकट है इनको करके तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 98% वो तुम्हारा प्री बोर्ड। प्री बोर्ड का तुम्हें डर है, रियलिटी तुम्हें पता है सीबीएसई की रियलिटी में बता रहा हूं, सीबीएसई के तुम्हारे अभी 2 प्री बोर्ड और होंगे, हो सकता है 1 दिसंबर में होगा प्री बोर्ड 1 और 1 दिसंबर में होगा प्री बोर्ड 2, हो सकता है अभी चल रहा होगा। प्री बोर्ड में अगर तुम 70% लिया तो 70% मार्क्स अगर तुम ले आ सकते हो मैथ्स में, प्री बोर्ड है पहला स्टेप, पहला जो शॉर्टकट है वो प्री बोर्ड से होकर जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि प्री बोर्ड के नंबर बोर्ड एग्जाम में जुटते प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में। मान के चलो तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो 80 मार्क्स के पेपर बाकी 20 मार्क्स कहां से आते हैं, उसमें 10 मार्क्स तुम्हारी कॉपी की रहती है और 10 मार्क्स प्री बोर्ड के रहते हैं। इन 10 मार्क्स को लाने के लिए तुम्हें प्री बोर्ड में हर सब्जेक्ट में से 70% मार्क्स लाने, सिर्फ 70% मार्क्स लाने। अगर मैथ्स तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 50 नंबर अगर तुम लाओगे प्री बोर्ड में तुम्हें पूरे का पूरे नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे, मतलब तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर तुम प्री बोर्ड में 70% लिया तो इसका मतलब मैं तुम्हें सिंपल शब्द में बताता हूं, प्री बोर्ड में 70 ले आओगे बोर्ड एग्जाम में 95% आराम से आ जाएंगे, 95%। ऐसा नहीं कि प्री बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे तो भाई बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे नंबर, नहीं, प्री बोर्ड में 70% काफी होते हैं बोर्ड एग्जाम में लाने के। 70% तुम कैसे लाओगे भैया? देखो तुम्हें कोई टेंशन है, तुम्हारा भैया हर चीज के लिए तुम्हारे लिए खड़ा है, कोई टेंशन है। प्री बोर्ड का पेपर लीक हमने कर दिया चैनल पर, प्री बोर्ड का पेपर लीक को 10 दिन हुए भाई, 1 लाख के करीब बच्चों ने देख लिया मैथ्स पेपर लीक, और सबका प्री बोर्ड का पेपर इससे आ रहा है। एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं वीडियो की, मैं बता रहा हूं भाई पेपर में आया है। दूसरी चीज, साइंस पेपर लीक भी कर दिया, SST भी करने वाला हूं, तो प्री बोर्ड के लिए टेंशन नहीं। पहली चीज, प्री बोर्ड में नंबर लाने कैसे, पेपर लीक वीडियो देख के, पेपर लीक वीडियो देख लो, अभी के लिए शॉर्टकट बन जाएगा, प्री बोर्ड में नंबर आएंगे, कोई डर नहीं। 70% अगर तुम्हें ले आए ना भाई, बोर्ड में 98 तुम्हारे आ जाएंगे, मैं तुम्हें अभी गारंटी दे रहा हूं, मैं 6 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बोर्ड में 98 ले आएंगे, प्री बोर्ड 1 होगा 2 का जितने सब में 70 ले आओ, 70% कोई बड़ी डील नहीं होती, पेपर लीक दे दो आ जाएगा पेपर लीक, सारे प्री बोर्ड में पेपर लीक वीडियो से। अगर डरने की बात नहीं है, प्री बोर्ड में नंबर आ गए ये पहला स्टेप है, अगर इसमें नंबर आ गए तो सीधा पहले प्रैक्टिकल में नंबर कट जाएगा, बोर्ड में 95 कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, तो ये 20 नंबर हमें इंश्योर करने पहले प्री बोर्ड में नंबर ला के। पहली चीज हो गई, मैंने तुम्हारे लिए मदद कर दी, पेपर लीक कर दिया, और आगे बताता हूं सारी चीजें आज की इस वीडियो में ही दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं, तुम्हारा टाइम टेबल क्या भाड़ में, अब टॉपर बच्चे टाइम टेबल पर विश्वास गया भाई, टाइम टेबल भाड़ में बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब कोई टाइम टेबल नहीं कि भैया हम 2 घंटे मैथ पढ़ लेंगे, 2 घंटे साइंस पढ़ लेंगे, अब भाई उठ जाओ, अब कान खड़े करने का समय हो गया काम खत्म। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, सुनो क्या होता है, टॉपर बच्चे क्या करेंगे, वो काम नहीं करते, टॉपर बच्चे की टाइम टेबल बनाएंगे, उससे क्या सिलेबस भाग जाता, तुम दिन गिनना शुरू कर दो, दिन गिनना शुरू कर दो, भैया मेरे पास इतने दिन बचे, 3 महीने बचे, 90 डेज बचे हैं, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी 25 से एग्जाम स्टार्ट है, 25 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं तुम्हारे हर साल में, तुम्हारा क्लियर कर दे रहा हूं, तुम्हारे पास 90 डेज बचे हैं। अब मैथ्स में तुम्हारे 14 चैप्टर है, साइंस में 13 चैप्टर है, एसएसटी में 19 चैप्टर है, इन एसएसटी के 19 चैप्टर टोटल 46 चैप्टर है,
टाइम कितना 90 डेज। अब 46 चैप्टर लेकर चलोगे तुम्हें बहुत डर लगेगा। मैं तुम्हारी और एक सिचुएशन कम कर देता हूं, इन 19 चैप्टर को भी तुम उड़ा दो, क्योंकि ये 7 दिन में कंप्लीट होने वाले चैप्टर एसएसटी के जो चैप्टर है 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक पेपर लीक मत करूंगा भाई एसएसटी का, बोर्ड एग्जाम का गारंटी के साथ दे रहा हूं, उससे बाहर पेपर नहीं आ सकता। बोर्ड में मैं तुम्हें गारंटी दिलवा रहा हूं बड़ा भाई होने के नाते, तो इसके लिए तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है एसएसटी के लिए अभी, ठीक है। एसएसटी अभी तुम छोड़ दो, जो पढ़ा ठीक है। ये मैथ और साइंस इसमें तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, अगर तुमने इसमें कारीगरी इसमें मेहनत नहीं करी, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं 6 साल के बच्चों को पढ़ा लो, कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। मैं क्लियर बता रहा हूं, इनमें तुम्हें मेहनत लगानी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो पेपर आएगा ना बहुत ज्यादा लेंदी आएगा। मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा इनका बोर्ड का पेपर में 40-40 क्वेश्चन आता है, ऐसा लेंदी पेपर आता है ना भाई, नहीं बनने वाला। उसके लिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा, मैथ और साइंस, मैथ के 14 चैप्टर, साइंस के 13 चैप्टर, ये दोनों में तुम्हें पकड़वा 90 डेज है। तुम 90 डेज में 14 और 13 27 चैप्टर तुम्हें करने 90 डेज में, मतलब एक चैप्टर के लिए, एक चैप्टर करने के लिए तुम्हारे पास कितना दिन है, 3 है, 3 डेज है, समझ लो 3 डेज है एक चैप्टर करने के लिए। बस तुम्हारे पास ये दिमाग लगा लो, ये 3 डेज में तुम्हें एक चैप्टर कंप्लीट करना है मैथ और साइंस का, हर 3 दिन में मैथ और साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट होना है। कैसे करना है मैं तुम्हें बताऊंगा, ये वाला ना तुम अपने भैया पर छोड़ दो, इंग्लिश हिंदी ना भाई, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं 7 दिन पढ़ के इंग्लिश में 99 ला रहे हैं, हिंदी में 99 ला रहे हैं, कोई बड़ी डील नहीं। लेकिन ये 7 या 70 दिन मिल जाएंगे, नहीं होगा। तो इनको पहले पकड़वाना, इनको इन पर पहले मजबूती हासिल करनी है हमें, ये हो जाएगा दिन गिनना शुरू कर दो, टाइम टेबल खत्म कि भैया मेरे पास 3 दिन है, 3 दिन में एक चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। क्लियर वाली बात है, 3 दिन में एक चैप्टर, 2 होता है 2 कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन में एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, एकदम अच्छी तरीके से होना चाहिए। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं भाई, मैथ या साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट मैं तुम्हें ज्यादा लोड नहीं दूंगा, लेकिन 3 दिन में एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। कैसे करना मैं बता रहा हूं, अब क्या करना तुम्हें, फास्टेस्ट वे टू कवर स्लैब। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं कि बैठ के हम आरडी लगा रहे हो, आरएस लगा रहे हो, ना उतना टाइम नहीं भाई, अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो टॉपर बच्चे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं टॉपर बच्चे, दिमाग लगाओ। अब सबसे पहले क्या देखो, वन शॉट लेक्चर। अब देखो यार, देखो मैं तुम्हें जो तरीका बताऊंगा बहुत लेजिट तरीका, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता चैप्टर कंप्लीट करना। मैं तुम्हें क्लियर हो, 6 साल बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे पता शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये एक वन शॉट लेक्चर यूट्यूब पे उठा लिया, कोई भी वन शॉट लेक्चर उठा लिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई 2 घंटे का वन शॉट लेक्चर उठा लिया, वो तुम्हारा मेन नहीं रहेगा, उससे तुम्हें फिलर मिलेगा, उसको एक कॉपी लेकर कॉपी में नोट कर लिया, ठीक है, जो भी तुमने बताया गया कॉपी में नोट कर लिया, हाँ ये कॉन्सेप्ट होता है। अब वॉल्यूम सर्फेस एरिया तुम्हें पढ़ाया जा रहा, तो तुमने कॉपी में कॉन्सेप्ट नोट कर लिया, हाँ ये फॉर्मूला, ये सारी चीजें हो गया कंप्लीट। अब आगे तुम्हें क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट होगी, अब चैप्टर कंप्लीट होगी यहां तक की बात नहीं होगी, बात कहां होगी, ये देखो सबसे अच्छा तरीका, सबसे लेजिट तरीका है ये, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं अपना छोटा भाई बहन समझ के बता रहा हूं। चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक वन शॉट लेक्चर लेकर तुम लिख लिया चैप्टर कंप्लीट समझो, अभी सब ऊपर करना है, हो गया। मेन चीज कहां आएगी, मेन चीज इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, अब भाई थोड़ा दिमाग लगाने की चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बोर्ड एग्जाम में 2 ही तरीके से पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई लेंदी पेपर बनेगा, तुम्हारा मैथ और साइंस का बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत ज्यादा लेंदी बनने वाला, उसके लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेंदी बनेगा। 39 क्वेश्चन तुम्हारे साइंस के पेपर में है, इस बार सैंपल बना बोर्ड में भी उतने ही आएंगे, 39 क्वेश्चन साइंस के पेपर में और 38 क्वेश्चन तुम्हारे मैथ्स के पेपर में, एमसीक्यू हटा भी दोगे ना भाई तो 20 क्वेश्चन बड़े-बड़े 20 क्वेश्चन है, समझ रहे हो बात को, लेंदी पेपर में इनका सिंपल सलूशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है तुम्हारे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो तुम्हारे एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं और तुम्हारे सैंपल पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो भाई इतने ज्यादा क्वेश्चन है तुम्हें बचा सकता है अगर कोई, तो हर क्वेश्चन में तुम दिमाग नहीं लगा सकते। अगर तुम्हारे 39 क्वेश्चन है तो इसमें 39 में तो झूठ नहीं बोलेगा, 39 में तुम्हारे ना 10-20 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे होते हैं। इन डायरेक्ट क्वेश्चन को तुम्हें एनसीईआरटी में तुम्हें ऐसी पकड़ होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे बोर्ड एग्जाम में तुम डायरेक्ट बना दो, समझ रहे बात को, एनसीईआरटी में पकड़ मानी जरूरी, क्योंकि अगर तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चन रेडी नहीं रहेगी ना तो तुम यहाँ पर स्ट्रगल करो, यहाँ स्ट्रगल करो, पेपर छूटेगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे 90 नंबर थे स्टैंडर्ड के पेपर में, मेरा पेपर छूटा था, एक तुम्हारा मी मिनट मोर का सवाल छूट गया था मेरा, समझ रहा, फिर भी 90 नंबर आ गए, मेरे 100 में 100 आ रहे थे, अगर मैं टाइम मैनेजमेंट कर लेता हूं, मैं खुद की बात बता रहा हूं, तो भाई पेपर छूटने के चांसेस तब रहेंगे जब तुम एनसीईआरटी के सवाल फंसोगे, एनसीईआरटी के सवाल फंसना नहीं, एनसीईआरटी के सवाल यहां आएंगे वो तुम्हें रट्टा होना चाहिए, तुम्हें नींद में भी कोई करवा देना तुम कर लो, वो तरीका होना चाहिए, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, एनसीईआरटी के सवाल कर लोगे तो पेपर जल्दी हो जाएगा, एनसीईआरटी के सवाल डायरेक्ट आते वो तुम कर लोगे तुरंत, क्यों रट्टा हो रहेगा, तुम्हें करना ही नहीं पड़ेगी मेहनत। और दूसरा क्या आएगा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर जो 5 सितंबर को लॉन्च हुआ था, उससे भी बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, मतलब तुम्हारा एनसीईआरटी और सैंपल पेपर, ये दो क्वेश्चन, ये दो चीजें अगर तुम करोगे तो इससे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, पेपर लेंदी भी रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें पहले से आते होंगे, तो ये दो चीजें तुम्हें करनी है, ये दो चीजें तुम कहां से करोगे, पेपर लीक वीडियो प्री बोर्ड वाली, अगर इन दोनों पेपर लीक वीडियो तुमने कर लेना भाई, प्री बोर्ड में तो नंबर आएंगे, बोर्ड का भी 70% पेपर, मैं आज की इस वीडियो में अभी के डेट पे गारंटी लेता हूं 70% पेपर इन प्री बोर्ड वाली पेपर लीक वीडियो से आएगी, इन दोनों तुम कर लेना भाई, प्री बोर्ड में 90% तुम 100 के लाओगे, ऐसे ही लाओगे, अगर तुमने इन दोनों वीडियो को भी कर लिया 90% तो कंफर्म है प्री बोर्ड में तुम्हें लाने 70 ही है, ठीक है। अब बोर्ड का ही मैक्सिमम काम होगा, इन दोनों को तुम अच्छे से करना, एसएसटी वाला भी आएगा, इंग्लिश वाला डरने की बात नहीं, बोर्ड के लिए भी कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें जो काम करना है मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो ये दो चीजें तुम कर लोगे तो तुम्हारा तीसरा स्टेप कंप्लीट होगा, फास्टेस्ट वे टू कवर सिलेबस, सिलेबस कवर भी हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा सिलेबस, जैसे कवर कर लो वहां चैप्टर वाइज लिख कर रखा है तो तुम जाए कर सकते हो, तो ये तुम्हारा काम कंप्लीट हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन, अब रिवीजन और टॉपर बच्चे रह रहे बच्चे में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन, चैप्टर तो कर लिया भैया रिवाइज रहेगा तब ना जाकर बोर्ड में लिखेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे। अब यहां दो तरीके का बच्चे होते हैं,
एक होता है एवरेज बच्चा जो कि महामूर्ख होता है, एवरेज बच्चा 60 परसेंट वाला महामूर्ख होता है, और जो चलाक बच्चे होते हैं जो 3 महीने में पढ़ के नंबर लाते हैं वो अलग तरीके से रिवीजन, उनके रिवीजन में ही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। बच्चा पढ़ाई तो एक ही बुक से करता, सब चीज एक ही पढ़ता है, लेकिन डिफरेंस कहां आता है? रिवीजन में। रिवीजन की क्या वो पढ़ रहा है और कैसे रिवाइज कर रहा है, रिवीजन कैसे करना। अभी से मैं तुम्हें बता रहा भाई, मैं तुम्हें गधे से घोड़ा बना दे रहा हूं, बोर्ड को 98 ले आओगे तुम, तरीका बता रहा हूं सुनो। अब रिवीजन करें, गधे बच्चे क्या करें, 60% लाते हैं 50% लाते हैं, वो क्या करेंगे अपनी नोटबुक उठाएंगे और उसमें जो लिखा हुआ जो भी नोटबुक में, जैसे √3 इरेशनल की प्रूविंग है, अब उसको देख देख के रिवाइज करें कैसे रिवीजन हो रहा, कैसे हो रहा, कैसे बना ये क्वेश्चन। भाई वैसे तुम क्वेश्चन बोर्ड में बना पाओगे? गलती से भी मिस्टेक मत करना, सबसे बड़ा ब्लंडर है। हम लोग फेलियर बच्चों का भी इंटरव्यू लेते हैं जो 50% लाते हैं, उनका तरीका रहता है रिवाइज करने का। गलती से भी ऐसे रिवाइज मत करना, सबसे बड़ा ब्लंडर है। 50% बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये गलती से मत करना, ये महा मिस्टेक है, इसको मत करना। रिवीजन कैसे होता है भैया? टॉपर बच्चे जो 98 लाते हैं वो कैसे करते हैं, 97 लाते हैं, सब में एक ही तरीके से रिवीजन करते हैं। ये क्या करते हैं, रिवीजन करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका, अगर इस तरीके से तुम रिवीजन करोगे ना भाई, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 98% नहीं आया ना, तुम बताना कि भैया 98% नहीं है। इस तरीके ये ऐसा रिवीजन करने का सीक्रेट है, इसको रिवाइज करके इस तरीके से तुम्हारे 98 तुम्हारे कंफर्म है। कैसे भैया? 98 लाने का सिंपल तरीका है, रिवीजन करने का चैप्टर कंप्लीट है। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन जो 5 सितंबर को सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर लॉन्च किया था, वो सैंपल पेपर नहीं था, सीबीएसई ने अपना पेपर लीक कर दिया था, पेपर खुद लीक कर देता। सीबीएसई में 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा, हर साल पेपर लीक करता, और पेपर के बोर्ड के पेपर में उन्हीं सैंपल पेपर से क्वेश्चन आते, बच्चों को घंटा पता नहीं रहता, कुछ पता नहीं रहता कि भैया आया होगा सैंपल पेपर, अरे भाई बोर्ड में पेपर आने वाला है उससे। तो ये जो सैंपल पेपर 2024 का, ऐसे सैंपल पेपर तुम्हें करने हैं, ये जो बोर्ड का 2024 का सैंपल पेपर, मैंने पेपर लीक वाले वीडियो में कवर कर दिया, इस टाइप के 10 सैंपल पेपर भाई तुम लगा लेना। अगर लगा लोगे ना भाई, बोर्ड में 98 नहीं आया ना, मेरा नाम तुम बदल देना भाई, मेरा नाम तुम अलग कर देना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, 98 कंफर्म हो जाएंगे। PYQ भैया, PYQ भी बोल रहा था, PYQ मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, बोर्ड एग्जाम पेपर लिखा जो मोस्ट रिपीटेड जो एकदम छपने वाले PYQ है वो मैं डाल दूंगा। तो PYQ की टेंशन अभी नहीं लेनी है, PYQ मैंने चैनल पर फ्री भी दे रखे ना, अभी PYQ नहीं करना है, अभी जो मैं बोलूंगा अभी सिर्फ सैंपल पेपर तुम्हें ध्यान देना है। PYQ मेरी गारंटी मैं तुम्हें करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आने वाले फ्री भी दे रखे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, PYQ कोई डरने वाली बात नहीं, लेकिन 5 साल के PYQ फ्री दे, लेकिन अभी तुम्हें PYQ पे ध्यान नहीं देना, मैं वो करवा दूंगा। तुम्हें क्या करना, अभी सैंपल पेपर पे ध्यान देना, जो लेटेस्ट पढ़ने की कोशिश है उस पर ध्यान देना। 10 सैंपल पेपर मैंने यहाँ पर भी तुम्हारे लिए मदद कर दी, मैंने यहाँ पर भी तुम्हें पता, तुम्हारे भैया एडुकार्ट के ऑथर है, मैथमेटिक्स के ऑथर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑथर है, सैंपल पेपर मेरे बहुत सारे इनपुट है, तो इसलिए सैंपल पेपर वाली बुक ये हमने जो एडुकार्ट के साथ सैंपल पेपर निकाली है, इसी से बोर्ड का मैक्सिमम पेपर इससे आने वाला, क्योंकि सैंपल पेपर के पैटर्न पे मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, ये सैंपल पेपर आज हमने बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी दे दिया, ये पूरा सैंपल पेपर का बंडल, ये पूरा बंडल भी तो OMR शीट, इसमें OMR भी सब कुछ है, 359 रुपीज में हम दे रहे हैं। आज मैंने फिर से इसमें डिस्काउंट कर दिया, इसका प्राइस 400 रुपीज था, इसका हमने प्राइस और कम कर दिया। मैं तुम्हें बोल रहा हूं इस सैंपल को लगाने बाद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 98% गारंटी है। मैं तुम्हें कैसे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी क्या सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर आया 5 सितंबर का, इस सैंपल पेपर से एक चीज तुम्हें दिमाग में डालना, जैसा ही सैंपल पेपर रहेगा उसी पैटर्न का तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर आने वाला, हर सब्जेक्ट मैथ हो साइंस हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस सैंपल पेपर में जितने सैंपल तुम्हारे मार्केट में जितने सैंपल पेपर है सब में सिर्फ 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हर कोई जान रहा है कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, पर भाई रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन केस स्टडी पर इन क्वेश्चन को कोई नहीं दे रहा। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे पास अगर सैंपल पेपर होगा उसमें रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन 25% वाले नहीं होंगे, और वो नहीं होंगे ना, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे 25% नंबर कट जाएंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर तुमने कोई सैंपल पेपर ले रखा है, अगर तुम उसमें रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं, भाई गड़बड़ है, क्योंकि रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन 25% पेपर में आने वाले वो हमने एनालाइज करके इसमें डाल रखे, तो तुम्हारे लिए एडुकार्ड का सैंपल पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई नॉर्मल सैंपल ले उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे तुम्हें, रियल लाइफ कौन देगा। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन SST में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, SST का 80 मार्क्स का पेपर आता है ना भाई, 80 मार्क्स से 50 मार्क्स के पेपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वाले हैं। भैया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या आती है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, और हमने उस सैंपल में डाल रखा अपने सैंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले सीबीएसई के पेपर तुम्हारा क्या, 3-4 चीजों पर ध्यान देना, 50% पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, दूसरा रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन 25% जो कहीं सैंपल पेपर डंके की चोट पे बोल सकता हूं एडुकार्ट के अलावा, कि सैंपल पेपर 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज तुम्हारी क्या, केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के आते हैं, उसके बाद तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूरा SST भरा हुआ है, उसका MCQ जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, भाई जल्दी सबसे ज्यादा नंबर कटेंगे तो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन बनेंगे, उस लेवल के हमने MCQ डाला जो सीबीएसई वाले, समझ रहे बात को। तो तुम्हें क्या करना, इसी पैटर्न के एक तो तुम्हारा सीबीएसई वाला जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं फ्री में, दूसरे 10 सैंपल पेपर तुम्हें करना है, इसी 9 और एक्स्ट्रा सैंपल पेपर करना, इसमें टोटल 10 है, सीबीएसई वाला भी इसमें तुम्हें मिल जाएगा जो मैंने तुम्हें दिखाया, टोटल 10 है, अगर तुम 10 कर लोगे बिल्कुल टॉपर बन जाओ, कोई तुम्हें रोक नहीं पाया। कैसे करना भैया अब बता रहा हूं। अब क्या इन सैंपल पेपर हमने क्या डाल रखा पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। इन सैंपल पेपर मैंने तुम्हें दिखाया था कि इस सैंपल पेपर ये न्यू पैटर्न पे, न्यू रियल लाइफ के बेस्ड के पैटर्न पे, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली एडेड एज पर न्यू पैटर्न 5 सितंबर वाले पैटर्न पर इसमें एड करा, जो किसी सितंबर में नहीं, किसी भी सैंपल पेपर में नहीं डाला गया, वो सैंपल पेपर इस सैंपल पेपर डाला गया। क्लियर वाली बात, इसमें क्या क्या डाला गया, सबसे पहले इसमें 3 फेजेस है। पहला फेज तुम्हारा क्या है कि सीबीएसई का सैंपल पेपर पहले डाला गया, सीबीएसई का सैंपल पेपर उसी टाइप के 5 सैंपल पेपर सॉल्व तुम्हें मिलेंगे, पहली चीज तो यहाँ पर 5 सॉल्व मिल जाएंगे उसी टाइप के। उसके अलावा 2 सैंपल पेपर, यहाँ 2 सैंपल पेपर जो तुम्हें मिलेंगे वो सेल्फ असेसमेंट, टोटल कितना हुआ 5, 6, 7,
ठीक है, दो सैंपल पेपर सेल्फ तो यहाँ पर दो साथ हो गया, और तीन सैंपल पेपर जो मिलेंगे तुम्हें OMR वाले मिलेंगे, इसमें OMR सैंपल पेपर भी मिलेंगे जो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें डिस्कस करूंगा क्योंकि OMR में टाइम मैनेजमेंट नंबर कटते हैं। इसमें तुम्हें OMR शीट वाले तीन सैंपल पेपर मिलेंगे, जो OMR जैसे बोर्ड में पेपर आती है ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में OMR में भरने में गलती होती है, रोल नंबर भरने में, तुम्हारा पेपर कैंसिल होता है, जीरो बैठ जाता है। OMR प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 359 रुपए तीन OMR शीट देंगे, तीन OMR शीट वाली कॉपी देंगे, 300 रुपीज में भाई OMR दे रहे हैं, तीन OMR विद सैंपल पेपर भी दे रहे हैं और बड़ा वाला सैंपल पेपर दे रहे हैं और मोस्ट लाइकली सेट भी दे रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, आज के दो दिन के लिए मैंने डिस्काउंट किया, तीसरे दिन डिस्काउंट नहीं रहेगा, ये डिस्काउंट मैं सिर्फ दो दिन के दे रहा हूं, अपने लिंक वाले डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसके बाद मैं कोई डिस्काउंट देगा पूरे यूट्यूब पर मैं डंकी की छूट पे बोल सकता हूं, अगर इस सैंपल में तुम्हें कोई डिस्काउंट दे सकता हूं उसे प्रेम भैया, तुम जाकर देख लेना, पता कर लेना, क्लियर वाली बात है। अब ये चीज हो गई, ये सात सैंपल और उसके, अब इन सैंपल में खास क्या है, इन सैंपल 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। इन सैंपल सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा जो सबसे पहले सेकंड एडवाइस है, फर्स्ट OMR सीट हो गया, सेकंड है कि 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन जो तुम्हारे बेस्ड ऑन 5 सितंबर पे बेस्ड है, जो लेटेस्ट सैंपल आया था उसमें 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो किसी भी सैंपल पूरे मार्केट में मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 25% बोर्ड का पेपर इसी से आने वाला है, गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं होता, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। नाव चल रही है, अब नाव का, नाव तुम्हें पता है पैराबोला की तरह इस तरीके से होती है, पैराबोला का तुम्हें इक्वेशन दिया गया, अब बोल रहा कि ये पैराबोला, इसका इक्वेशन निकालना, इसके साथ जीरोस भी निकालने हैं, इसके जीरोस निकालने हैं, और ये पैराबोला किस फॉर्म में, तुम्हें ये बताना है, ये पैराबोला का फॉर्म है, इसमें के की वैल्यू भी दी हुई वो भी निकालनी है, तो इस टाइप के रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्लियर वाली बात है, मैं डरा नहीं रहा, लेवल बता रहा हूं। उसके बाद साइंस के पेपर, साइंस के पेपर हमने ऑब्जर्व किया सर्किट डायग्राम, ये रियल लाइफ वाला 25% वाला सर्किट डायग्राम है, ठीक है, इसमें बता रहा दो तीन बल्ब जल रहे हैं, इन बल्ब को जलने के लिए रेजिस्टेंस कितना चाहिए होगा यहां और यहां, ये भाई क्लास 12 लेवल का क्वेश्चन है, झूठ नहीं बोला मैंने, 12 तक साइंस लेकर पढ़ रखी है, 12 लेवल का क्वेश्चन बन जाता है पर बनाना पड़ता है, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए, बनाना पड़ता है, बन जाता है पर बनाना पड़ता है, क्लियर वाले, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले, हार्ड लेवल के क्वेश्चन, ये पोटेंशियल डिफरेंस बीच में निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकालो, तो इस लेवल के क्वेश्चन तुम्हारे इस सैंपल में हमने सबको डाल रहा है, ये तुम कर लोगे बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, ये ऐसे लेवल के क्वेश्चन है भाई, इजीली नहीं होंगे, इसको तुम्हें लगाना पड़ेगा रियल लाइफ क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन है भाई, अगर तुम कर लोगे किंग बन जाओगे, नहीं करोगे पेपर छूट जाएगा, क्लियर वाले बात। इसमें हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी डाला है, दिखा रहा हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद इसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी डाले हुए जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से 5 सितंबर के हिसाब से, सारे 5 सितंबर वाले लेटेस्ट रियल लाइफ क्वेश्चन भी 5 सितंबर के हिसाब से और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी तुम देख सकते हो 5 सितंबर के हिसाब से सारे डाले हुए, कि तुम्हारे इंडिया गेट है उसकी हाइट निकालनी है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है, इंडिया गेट है उसकी हाइट निकालनी थी, कुछ टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे डाले हुए, क्योंकि तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में तो आएंगे, अगर तुम स्टेट बोर्ड में भी देख रहे हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सब में तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये सैंपल तुम्हारा आने वाला है, मैं तुम्हें क्लियर करूं, ये सैंपल तुम लगा लोगे, तुम किसी भी बोर्ड में इस बात की गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे पेपर में आएगा, और सीबीएसई के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ही नहीं जा सकता, ये भी डाले हुए इसमें। उसके बाद तुम्हारा क्या है, उसके तुम्हारे क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि 80 में से 60% क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, एसएसटी का जब हमने पेपर एनालाइज किया, सैंपल पेपर जब हमने एनालाइज किया, हमने देखा 60% क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब क्या भैया, जैसे देखो लिखा हुआ यहां पर, रोमांटिसिज्म इज ए कल्चरल मूवमेंट सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट स्टेटमेंट जस्टिफाई द स्टेटमेंट, 5 नंबर का, सिर्फ 5 नंबर वाले क्वेश्चन तुम देख सकते हो, ये भी 5, ये भी 5, ये भी बस सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट, देखो अब देखो दूसरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ वेना डिपिक्ट द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म सस्टेनेट द स्टेटमेंट, अब इसको 5 पॉइंट में लिखना, अब 5 पॉइंट में किस तरीके से लिखना, सैंपल वाला पूरा आंसर भी दिया हुआ, सारे आंसर एसएसटी वाले सैंपल वाले दिए हुए, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ये जो तुम्हें दिख रहा है एसएसटी वाला सैंपल वाले, ब्लू कलर का, सोशल साइंस वाला सैंपल वाले, ग्रीन कलर का, इसमें सारे दिए हुए हैं, तो ये मैं तुम्हें दिखा दूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले, मतलब कि अगर तुमने सैंपल वाले क्वेश्चन भी कर लिया ना, तो भाई 80 में 50 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे, 50 मार्क्स तुम्हारे सिर्फ कंफर्म हो जाएंगे 80 में, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन सिर्फ भरे हुए भाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करने होंगे, क्लियर वाली बात है, ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन, अब जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ा हुआ एनसीईआरटी पढ़ता रह जाएगा, बोर्ड में आ जाएगा स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, और जो बच्चा मूर्ख भी है और इस टाइप के क्वेश्चन लगा रहा बोर्ड में डायरेक्ट करके चलाएगा तो नंबर आ जाएंगे, क्लियर वाली बात है। दूसरी चीज तुम्हारा क्या टाइम मैनेजमेंट, अब पांचवा जो स्ट्रेटजी थी टॉपर बच्चों की जो पांचवी सीक्रेट थी, जो पांचवा जो तुम्हारा ये शॉर्टकट था, उनके टाइम मैनेजमेंट था, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते रहे भैया, वो टाइम मैनेजमेंट पिछले साल भी हमने क्या करा था, OMR वाले सैंपल पेपर निकाला था, इस बार भी निकाल रखा OMR वाले सैंपल पेपर, अब ये वाला टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीज है मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ये 3 आवर तुम्हें पेपर में मिलेगा, क्लियर वाले 3 आवर पेपर मिलेगा, उसमें तुम्हें मैथ और साइंस का पेपर बहुत लेंदी आएगा, बहुत मैंने तो खुद बताया कि मेरा मैथ्स का पेपर छूट गया था, छूट गया था मैथ्स का, फिर भी 90 out of 100 आ गए, मेरे 100 में 100 आते हैं, क्योंकि मेरा मीन मीडियम मोड छूट गया, क्योंकि भाई 40 क्वेश्चन रहते हैं और तुम्हें 3 आवर में नहीं 2 hour 45 minutes में करना रहता है, क्योंकि 50 मिनट तुम्हारे रिवीजन के लिए चाहिए होता है, तो 3 आवर में पेपर नहीं कर पाएगे तुम, 2 hour 45 minutes में 40 क्वेश्चन बर्डी हो जाती है, क्योंकि 20 MCQ रहते हैं मान के चलता हूं मैं, लेकिन 20 तो क्वेश्चन भी रहते हैं 5 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स के 20 क्वेश्चन बर्डी हो जाती है भाई, नहीं वहां प्रेशर रहता, टाइम ऐसे पार होता है, तो उसके लिए ये जो सैंपल हमने डाला है, इसमें हमने OMR शीट भी डाला, OMR शीट और कॉपीज दोनों दे रखी है, बोर्ड एग्जाम वाली कॉपीज, ये कॉपीज तुम्हें दिख रही है, और OMR शीट तीन कॉपीज 359 रुपीज में, तीन ऐसी OMR शीट, तीन ऐसी मोस्ट लाइकली सेट, अब
उसमें 3-7 सैंपल मेरे वहां थे। अब यहां पर मोस्ट लाइकली सेट है, मोस्ट लाइकली सेट का मतलब क्या होता है, 7 और 8, 9 और 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर मोस्ट लाइकली सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के फॉर्मेट में जो भी तुम सबमिट कर लेते हो, इसमें तुम्हें OMR वाली कॉपी मिलेगी और 3 ऐसे मोस्ट लाइकली सेट मिलेंगे जिसके 100% गारंटी की तुम्हारे बोर्ड में वो डायरेक्ट छपेगा, उस टाइप के हमने मोस्ट डिफेक्टेड क्वेश्चन डाल रखे इस सेट में। ये ऐसे क्वेश्चन है जो 100% कंफर्म है, तुम्हें पहले ये सेट ही करने, इसके भी आंसर हमने डाल रखे सैंपल पेपर में, ये सेट करोगे तो भाई बोर्ड एग्जाम में 99.99% चांस रहता है कि पेपर वहीं से आएगा, वो हमने डाल रखा उस सैंपल पेपर, मैं तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं, ये इसका बिग एडवांटेज, क्लियर वाली बात है। इस पर 3 सैंपल पेपर है और ये जो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट वाला काम है इसको तुम लोगे, सैंपल पेपर एक सेट लो, एक सेट ले लोगे सैंपल पेपर का, यहां पर से एक सैंपल वाला सेट ले लोगे, एक कॉपी ले लोगे, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, एक वॉच रखोगे, उठना नहीं है, सीधा बैठोगे सॉल्व करना शुरू करोगे, सॉल्व करोगे, यहां तुम्हें 359 से ऐसी 3 कॉपीज मिल जाएगी, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एक क्वेश्चन पेपर ले लिया, इस सैंपल पेपर ले लिया, तुम बैठ के एकदम सॉल्व करोगे, एकदम सॉल्व कर लोगे तो तुम समझ लेना कि इतने टाइम में हो जाएगा, पहली बार में नहीं होगा, पहली बार में 2 आवर 45 मिनट नहीं होगा, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, तब जाकर तुम्हारा कंप्लीट होगा, क्लियर वाली बात है। सारे सब्जेक्ट मैथ और साइंस में तुम्हें बोलूंगा भाई पेपर छूटता है, साइंस में 40 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन है, मैथ में 38 क्वेश्चन है, पेपर छूट जाएगा, इसलिए तुम्हें ये लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, टाइम मेरे को जितने भी टॉपर बच्चों से बात हुई, भैया मेरे मैंने सब कुछ ज्यादा टाइम में पेपर नहीं हो पाया, तुम्हें साल भर जो पढ़ा होता तुम्हें 2 घंटे 45 मिनट में डिपिक्ट करना होता, वो तरीका तुम्हें आना चाहिए, अगर तुम करके रखोगे मेरी मानो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट भाई टाइम धोखा देगा, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, टाइम धोखा देगा, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं। अब भैया सैंपल पेपर की प्राइसिंग क्या होगी, मैं तुम्हें डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि मैं जिस प्राइसिंग में तुम्हें ये सैंपल पेपर दे दूंगा पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं दे पाएगा, इस बात की गारंटी है। सिर्फ 2 दिनों के लिए हमने इसमें फिर से डिस्काउंट कर दिया, सिर्फ 2 दिनों के लिए डिस्काउंट किया भाई, इसका प्राइस 400 टच कर रहा था कल, अभी आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया, सिर्फ 2 दिनों के लिए हमने डिस्काउंट किया, लास्ट हमारे पास ये स्टॉक्स है, इसके बाद कोई स्टॉक नहीं मिलेगा, मैं लास्ट टाइम इसमें डिस्काउंट दे रहा, पहली बार दिवाली में दिया था, इसके बाद तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट तुम्हें कहां से मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन तुम्हें मेरा लिंक मिलेगा, ऊपर मेरी फोटो बनी होगी, उस लिंक से अगर तुम लोगे तुम्हें डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, सिर्फ 2 दिनों के लिए डिस्काउंट है, तीसरे दिन इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्लियर वाली बात है, किसी दिन इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 दिनों के लिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। क्या प्राइस है भैया इसका, ये जो सैंपल पेपर जिसमें तुम्हें OMR शीट भी मिल जाएगी, कॉपीज भी मिल जाएगी और तुम्हें सैंपल पेपर भी मिल जाएगा, सब कुछ OMR शीट मोस्ट लाइकली सर सब कुछ सिर्फ 445 रुपीज दाम है, 449 रुपीज दाम है, नहीं ले रहे 450 रुपीज दाम है, 359 रुपीज सिर्फ 2 दिनों के लिए, तीसरे दिन ऐसा कोई ऑफर नहीं रहेगा, सिर्फ 2 दिनों के लिए मैंने ऑफर दे दिया, इसके बाद तुम्हें ऐसा कोई ऑफर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम कितना भी अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, एकदम इतना अफोर्डेबल बना दिया, अगर फिर भी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं तुम्हें गारंटी दूंगा कि सिर्फ तुम 2 सब्जेक्ट ले लेना, एक मैथ ले लेना, एक साइंस ले लेना, अगर तुम 2 सब्जेक्ट ले लोगे बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, अगर तुम थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो, थोड़ा सा अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ इतना भी लो ना यार, OMR वाली प्रैक्टिस तो हो रही है, OMR शीट तो तुम्हें मिल रही है, कम से कम OMR मिल जाएगी, कॉपीज मिल जाएगी, मोस्ट लाइकली सेट मिल जाएंगे, तो तुम एक भी ले सकते हो, थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते मैथ का साइंस भी ले सकते हो, 700 रुपए में मैथ साइंस दोनों मिल जाएगा, अगर तुम SST थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा यार कि एक साइंस ले लेना, एक मैथ स्टैंडर्ड ले लेना, एक SST ले लेना, तीनों ले लिया, 1350 रुपीज प्राइस है इसका, 1124 रुपीज से 2 दिनों के लिए दे रहे, तीसरे दिन ऐसा कोई ऑफर नहीं रहेगा, कोई ऑफर देगा भाई स्टॉक में ही रहेगा, तब ना स्पेशल लिमिटेड स्टॉक है भाई, ऑल इंडिया 30 डेज तक बेस्ट सेलर था, ये अभी भी बेस्ट सेलर है, मैं तुम्हें क्लियर करूं, इसके स्टॉक ही नहीं, स्टॉक ही खत्म हो गया, फिर से हमने रीस्टॉक कराया, आगे स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता, बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, जल्दी से तुम इसको लेकर रख लेना। पहली चीज तुम्हारा ये वाला हो गया, अगर तुम्हारा बेसिक मैथ है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा, बेसिक मैथ के लिए हमने पेपर निकाल दिया, बेसिक मैथ तुम्हारा साइंस और तुम्हारा सोशल साइंस, ठीक है, इसके स्टॉक थोड़े कम है, उसका 1145 रुपीज का प्राइस है, ये बेसिक मैथ वाला तुम्हारा हो गया, इसका प्राइस तुम्हारा 1350 रुपीज, 1145 रुपीज, 2 दिनों के लिए दे रहे, इसका स्टॉक थोड़ा कम है, मैं पहले बता दे रहा हूं, तो ये 2 चीजें अगर तुम थोड़ा और अफोर्ड कर सकते हो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर थोड़ा अफोर्ड करने वाला तुम बच्चे हो, मैं तुम्हें बोलूंगा इससे बेटर ये रहेगा ये वाला बंडल। अब ये वाला बंडल तुम्हारा क्या है, ये वाला बंडल तुम्हारा क्या है कि मैथ्स है तुम्हारा, इंग्लिश है, साइंस है तुम्हारा और सोशल साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर मैथ स्टैंडर्ड साइंस और सोशल साइंस, ये सारी चीजें तुम्हें इस बंडल में मिल जाएगी, ये पैक्ड बंडल है, ये बिल्कुल पैक्ड बंडल है, मैं तुम्हें क्लियर करता हूं, ये बंडल अगर तुम लगा लोगे भाई बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई रोकने वाला, इसका भी प्राइस हमने कम कर दिया, इसका प्राइस 1800 है, इसका प्राइस 1445 रुपीज कर दिया, 1445, क्योंकि भाई कल के डेट पे मैं तुम्हें झूठे, कल ये सिर्फ 1625 में बिक रहा था, कल मैं तुम्हें अमेजन की प्राइस बता रहा हूं, तो सिर्फ 2 दिनों के लिए क्या भाई तुम्हारा फायदा हो जाए, इसलिए मैंने ये इतनी प्राइस कम कर दिया, सिर्फ 2 दिन के, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, तो 1800 प्राइस है इसका, 1445 में सिर्फ 2 दिनों के, इस बंडल को अगर तुम लगा लो पूरे यूट्यूब पर, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारे पास कोई भी सैंपल पेपर है ना, वो तुम्हें ये सारी चीजें नहीं देगा, तुम्हें OMR शीट नहीं मिलेगी किसी भी सैंपल पेपर में, तुम्हें मोस्ट रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे किसी भी सैंपल पेपर में, तुम्हें क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किसी भी सैंपल पेपर में नहीं मिलेंगे, मोस्ट लाइकली सेट नहीं मिलेंगे, तो सारे सैंपल पेपर जितने भी सैंपल पेपर है मार्केट में सबसे बेटर ये आगे खड़ा होता है, क्योंकि इसलिए बेस्ट सेलर 30 दिनों तक लगातार बेस्ट सेलर था, तो इसलिए सबसे बेटर तुम अगर कंपैरिजन चार्ट देखोगे सब में ठीक है, और दूसरे अगर तुम्हारे पास कोई भी ब्रांड का सैंपल पेपर सब में ही कट रहा है, नहीं मिलेंगे तुम्हें ये सारी चीजें कहीं नहीं मिलेगी, बोर्ड एग्जाम में नंबर कटेंगे, अगर रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा 25 नंबर सीधा कटेंगे, 25 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन सारे क्वेश्चन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार
तुमने नहीं ले रखा है, अगर तुमने बोर्ड टॉपर बनने का सपना देख रखा, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, सारे सैंपल वर्क का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इसको सिर्फ हमने दो दिनों के लिए डिस्काउंट दिया, इसके बारे में कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, ये वाले सैंपल वर्क का लिंक डिस्क्रिप्शन है, अगर तुम लोगे तुम्हें पूरा बंडल मिल जाएगा, पूरा बंडल मैथ साइंस इंग्लिश सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, पूरा बंडल यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, ये पूरा बंडल तुम्हें मिल जाएगा, ये वाला बंडल ठीक है, ये बंडल है तो ये पूरा बंडल तुम्हें मिल जाएगा, तो ये बंडल तुम ले सकते हो, इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये पूरे सैंपल वर्क का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ दो दिनों के लिए ऑफर दिया भाई, इससे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो जल्दी से जाकर ले लो, मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं कि भाई अगर टॉपर बनना है, मैं तुम्हें क्लियर बनाऊ, अगर टॉपर बनना है तो कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, 3 महीने बचे, गिन के समय हमारे पास बचा, ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है, तो गिन के 3 महीने बचे भाई, 3 महीने में रगड़ दो, जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं आंख बंद करके फॉलो कर लो, पेपर लिख कर लो, सैंपल वर्क कर लो, कोई रोक नहीं पाएगा, क्लियर वाली बात है, बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे, रैंक बना जाएगा तुम्हारा, 90% कंफर्म है, आखिरी ये 3 महीने दिसंबर जनवरी फरवरी रगड़ लो भाई, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है, तो इस सैंपल वर्क का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इस सैंपल वर्क का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, सिर्फ 2 दिनों के लिए हमने ऑफर दिया 1445, उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, लिमिटेड स्टॉक है भाई, ऐसा कंपैरिजन कोई सैंपल वर्क है ही नहीं पूरे मार्केट में, तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, ये तुम नहीं लोगे ना भाई दिक्कत में पड़ जाओ, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे, तो ये सैंपल वर्क का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, सिर्फ 2 दिनों के लिए टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर सैंपल वर्क ले लो, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, खुद पर भरोसा करना कि भैया मैं 98% ले आऊंगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं भाई, बहुत सारे बच्चे 98 लाते हैं, तुम भी 98 लाएंगे, तुम भी 98% ले आओगे, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, खुद पर बस भरोसा करना, ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।